गाड़ी हायर करी और ये भैया जो यहाँ के लोकल ही थे तो 1000 रुपये इन्होंने लिए इससे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और गाड़ी बहुत हमारी जो स्कूटी बहुत स्लिप कर रही थी। फिर हमने जहाँ हमने नाश्ता किया था ना वहीं अपनी स्कूटी को हमने पार्क कर दिया, वहीं रख दिया और हम इसको ले गए, ये गाड़ी लेकर चल पड़े। आप देख सकते हो चारों तरफ दोनों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है सड़क पर ना, और मतलब आगे रास्ते में सड़क पर भी गिरी थी बट उन्होंने हटाई है कुछ टाइम, लेकिन आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, जाम बहुत था। क्योंकि ये जो ये ड्राइवर हैं ये बता रहे थे कि लोग क्या करते हैं कि बाहर से दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं लोग और अपनी कार्स वगैरह में आ रहे हैं, फिर वो कार चला नहीं पा रहे हैं आगे बर्फ में ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि साइड में ही कार पार्क कर दे रहे हैं साइड्स में, सड़क की साइड में, और फिर अपना यहाँ से गाड़ी हायर करके चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो गाड़ियाँ फिर निकलने में बहुत सारी लाइन से गाड़ियाँ ऐसे लाइन पे लगी हुई थी जिन्होंने कि फुट जो साइड होता है सड़क का उसको कवर किया हुआ था, तो फिर उस वजह से गाड़ियों को क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पर आप देखो हमने पता है पूरा ना 1.5 घंटा वेट करा कार में बैठे बैठे, 1 इंच भी गाड़ी नहीं खिसक पा रही थी। ये लोकल्स हैं यहाँ के, इनका घर, वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनके घर की छत पर ही बर्फ़ गिरती है। हम इतना पैसा टाइम लगा के आ रहे हैं इतनी दूर से, और हमारा तो ना स्कूटी में आने से हाथ ठंडी आवाज़ ना पूरा मुंह भी सूज गया था। ये देखो यहाँ पे हम बैठ बैठ के इतने बोर हुए ना, करें भी तो क्या करें, ऊपर से थोड़ा कार में मुझे और सुसरजन को थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा वॉमिटिंग टाइप्स, तो थोड़ा तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी हमें, बट एक्साइटमेंट भी था कि हम बर्फ़ में पहुँचने वाले हैं।